और बड़ी खबर है हजारीबाग से। लोटवा डैम में डूबे छह बच्चे, एक बच्चे की मौत हो चुकी है, बाकियों की तलाश जारी है। आपको बताया कि इचाक थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क के पास यह हादसा पेश आया है, जहां छह बच्चे डूब गए हैं, एक बच्चे की मौत की पुष्टि हो चुकी है, बाकियों की तलाश जारी है। इचाक थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क के हादसा का यह हादसा बताया जा रहा है, लोटवा डैम की हादसा जहां पर छह बच्चे जो है वो डूब गए हैं, एक बच्चे की मौत की पुष्टि हुई है और बाकियों की तलाश जारी है। हजारीबाग से ये बड़ी खबर, लोटवा डैम में छह बच्चे डूब गए हैं, एक बच्चे की मौत हो चुकी है, बाकियों की तलाश जारी है। और ऐसे में इचाक थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क के पास का ये हादसा बताया जा रहा है। आपको बताएं कि लगातार ऐसे बाबले सामने आ रहे हैं, इसे लेकर लगातार टीम के ओर से भी अपील की जा रही है कि नदी के बहाव के पास बच्चे ना जाए, लोग ना जाए। और ऐसे में यह हादसा पेश आया है हजारीबाग से, जहां पर लोटवा डैम में ये बड़ा हादसा हुआ है, छह बच्चे डूब गए हैं। इचाक थाना क्षेत्र के नेशनल पार्क के पास का ये हादसा बताया जा रहा है। और देखिए, इन छह बच्चों में से बाकियों की तलाश जारी है, एक बच्चे की लेकिन मौत की पुष्टि हो चुकी है और बाकियों के लिए तलाश कर रही है। अभी देखने वाली बात है कि टीम कब तक वहां पर पहुंचती है, एनडीआरएफ की टीम, और राहत बचाव कार्य जारी किया जाता है और उन बच्चों की तलाश की जाती है। देखिए, हालांकि स्थानीय लोग वहां पर जुटे हुए हैं, बच्चों की तलाश की जा रही है और ऐसे में एक बच्चे की मौत की पुष्टि हुई है। उन छह बच्चों में से, सोचिए, छह बच्चे डूबे हैं इचाक थाना क्षेत्र के पास लोटवा डैम में। छह बच्चों के डूबने के बाद एक बच्चे की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए हमारे साथ हजारीबाग से संवाददाता फलक फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। फलक, देखिए, लोटवा डैम में ये छह बच्चों की डूबने की सूचना निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में ये भी सूचना है कि एक बच्चे की मौत हो चुकी है, बाकियों के लिए तलाश जारी है, क्या एनडीआरएफ की टीम वहां पर पहुंच चुकी है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? पहले तो बता दें कि सबसे दुखद खबर यह निकल कर आ रही है कि आज छह बच्चे लोटवा डैम गए थे नहाने के लिए और इसी क्रम में सभी बच्चे डूब गए हैं। और क्योंकि जब खबर हम लोग को जानकारी मिली तो पता चला कि एक बच्चे की तलाश में एक बच्चा निकला, लेकिन अब तक दो शव निकाले जा चुके हैं। पहला जो शव निकाला गया है वो मयंक कुमार के रूप में इसकी पहचान हुई है और सभी बच्चे, देखिए आपको बता दें कि 12वीं कक्षा के थे और आज जो है वो सभी बच्चे जो है यहाँ पर नहाने के लिए गए हुए थे और इसी क्रम में एक बच्चा डूबता है और उसी को बचाने के क्रम में सभी उसके नदी में जो है वो आगे बढ़ जाते हैं, डैम में जो आगे बढ़ जाते हैं और इसी क्रम में देखते ही देखते सभी बच्चे डूब जाते हैं। देखिए, अभी तक दो बच्चों की जो है वो मृत्यु हो गई है, दोनों का बॉडी निकाला जा चुका है और जो चार जो डूबे हुए हैं उनकी तलाश फिलहाल जो है स्थानीय गोताखोर की मदद से जो है वो रेस्क्यू का कार्य किया जा रहा है। जी सुष्मिता, बिल्कुल फलक, देखिए ऐसे में आप जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं कि दो बच्चों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, बाकी के चार के लिए जो है वो तलाश की जा रही है, क्या टीम वहां पर पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल, स्थानीय गोताखोर की मदद से जो भी, क्योंकि देखिए ये गांव का इलाका है और इस इलाके में जाहिर तौर पर जो डैम और जो इस तरह के तालाब पोखर के इलाके होते हैं वहां के स्थानीय लोग भी एक अच्छे तैराक के रूप में जाने जाते हैं, तो लोटवा डैम के भी आसपास के गांव के जो लोग हैं जो बेहतरी से तैराकी जानते हैं वो जो है जैसे ही मामले की उनको खबर मिली तुरंत मौके पर पहुंच कर जो है वो रेस्क्यू के लिए लगे हुए हैं और इसी क्रम में दो जो है बॉडी लोटवा डैम से निकालने में सफल रहे हैं और चार को अभी जो है वो खोजने के लिए अभी जो तैराक है वो डैम में उतरे हुए। जी चलिए फलक, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है हजारीबाग से, लोटवा डैम के पास छह बच्चों के डूबने की सूचना थी, जिनमें से दो बच्चों के शवों को बाहर निकाल लिया गया है और बाकियों की तलाश भी स्थानीय गोताखोरों की मदद से की जा रही है। जिस तरीके से ये पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि ये सभी बच्चे 12वीं की कक्षा के हैं और ये सभी नहाने के गए दौरान कहाँ पर डूब गए हैं और एक बच्चे की बचाने के वजह से ये सभी इसकी चपेट में आए और ऐसे में
ये तस्वीरें आप देखिए, हजारीबाग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जहां लोटवा डैम में ये 6 बच्चे डूबे हैं। स्थानीय प्रशासन वहां पर मौजूद है, और साथ ही साथ किस तरीके से आप स्कूल बैग्स वहां पर देख रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जानकारी भी हमारे संवाददाता ने दी कि ये सभी बच्चे 12वीं की कक्षा के थे और ये शायद स्कूल से ही वापस आ रहे थे, तो इस दौरान ये दुर्घटना हुई है। और ऐसे इस हादसे के दौरान 2 बच्चों की शवों को भी जो है वो बाहर निकाल लिया गया है, और अब भी 4 बच्चों की जो शव है वो बाहर निकालने के लिए लगातार स्थानीय गोताखोरों की मदद से उनका प्रयास किया जा रहा है, उन्हें बाहर निकालने की कोशिश जारी है। और ऐसे में स्थानीय प्रशासन वहां पर मौजूद है, स्थानीय लोग वहां पर मौजूद हैं, और सभी को बाहर निकालने की कवायद तेज हो चुकी है। लोटवा डैम की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हजारीबाग से। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।